ऊंट खोपड़ी भैया, इस आदमी से बच के रहना। एक्चुअली माय एक्स इज जॉन, आई नो हिज नेम, लाइक बोल्ड नेचर एंड मुझे पता है बहुत शार्प माइंडेड भी होते हैं, तेज होते हैं, पढ़ाई लिखाई करे ना, खेल में बहुत आगे, लाइक गेम्स में बहुत आगे। जो खुद को अच्छा लगता है वो ही करना है, बॉडी बनाना। आर्मी पैसे वाले होंगे बहुत ज्यादा, मेरे जिससे शादी हो रही वही जाता। पर्सनैलिटी गुड लुकिंग, स्मार्ट, हैंडसम, बस दिमाग से चलने वाले। कैसे पता लगता है कि सामने वाला जाट होता है? मस्ती करना और मौज लेना विदाउट इंटेंशन। भाई हमारे हिसाब से तो जाट, गुजर और यादव सारे NCR में यही चल रहे हैं, और तो कुछ है ही ना यहाँ पे। मायने में कुछ नहीं करना, बढ़िया होते हैं, मस्त लोग होते हैं, और काफी दोस्त भी हैं मेरे जाट हैं, बढ़िया है, मतलब सही होते हैं। थोड़े से ब्लंट होते हैं, फिजिक अच्छा होता है, लाइक दे आर गुड लुकिंग बट दे आर ब्लंट। हुक्का, दारू पार्टी फॉर लॉन, खाते पीते घर के होते हैं, नजर आते ही जाट है। सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं, चौड़े तो होते हैं। मस्त मस्त भाषा है उनकी, और स्टाइल भी मस्त है, एटीट्यूड मस्त है। भैंस की पूछ, आई गेस ये बोलते हैं आप लोग ज्यादातर, बावली पूछ। सर कैसे पता चलता है कि सामने वाला जाट है? तो सामने से आ रहे कैसे? ओके, जब तक वो बोलते नहीं है तब तक नहीं पता चलता है, द मोमेंट दे स्पीक तो पता चल जाता है उनकी टोन से कि हाँ जाट है। बॉडी से पता लग जाता है, प्लस बोलने में, जैसे आप जैसे बोल रहे हो मैडम जी एक क्वेश्चन, वो हाँ जी एक्सेंट से पता लग जाता है। भाई 6 फुट से ऊपर हो और दाढ़ी मूछ हो, बढ़िया पता चल जाएगा कि ये OBC कैटेगरी आ रही है। एक्सेंट से पता चलता है, जैसे आप शायद जाट होंगे, एक्सेंट से पता चलता है। मीनिंग उनकी हाइट होती है, जाटों की लंबी हाइट है, एंड द वे दे वॉक, और जैसे जिस तरह से बोलते हैं वो। अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, और पढ़ा जाट खुदा जैसा, बस यही है। Accent, like for me, it's just the accent and the way they talk. That's how I recognize that this person's a jat. No other parameter, I guess. The way they dress up. एक तो उसमें घमंड, एक तो चौड़ाई उसकी, और कुछ उसका देसी स्टाइल, अपने आप ही पता लग जाएगा जाट है नहीं है। उनकी वाइट स्कॉर्पियो होती है, वाइट कपड़े पहने होते हैं, उसके एटीट्यूड से, उसके लुक से, और उसके गाड़ी से, पैसे से, बहुत सारी चीजों से। बड़ा चेकआउट कर रहे हो। जो उनका एटीट्यूड है ना, चलने का ऐसे वाइट कुर्ता पजामा, क्या वो गॉगल्स ब्लैक, सब उनसे। यू हैव अ जाट फ्रेंड ना, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू, जिंदगी भर मजे करोगे, कभी साथ नहीं छोड़ेगा भाई अपने। देखने से तो नहीं पता लगेगा, आई फील, बट जैसे वो मुंह खोलेगा तो पता चल जाएगा। ऑडी होगी उसके पास, ऐसा होता है। हाँ मतलब बोल्ड होते हैं, पर्सनालिटी होती है बंदों की, बातचीत से पता चल जाता है कि ये बंदा जाट है। एक होता है ना थोड़ी चौड़ में चल के आते हैं, बस एक वो है, वो अलग ही पर्सनालिटी दिखती है उनकी। जो दिल में होता ना वो कहने की हिम्मत रखते हैं, ये नहीं है कि आपकी चापलूसी करे और पीछे से धोखा दे, तो ऐसा नहीं, जो करना है वो कर देना है, बाद में देखी जाएगी जो होगा। इनकी ऐसी क्या खास बात होती है जो किसी में नहीं होती है? भाई ये धरती से जुड़े हुए हैं अपने, जहाँ से हैं वहाँ जुड़े, और मॉडर्न भी हो रहे हैं, पहनेंगे ज़ारा और घर पे जाके खाट पे बैठेंगे। ईगो बहुत ज्यादा ठूस ठूस के भरा हुआ है, फिजिक अच्छा होता है एज आई सेड, क्योंकि खाते पीते दूध दही वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फिजिक अच्छा होता है तो दूर से दिख जाते हैं कि या तो जाट है या पंजाबी है। They are friends of friends, they are very good friends, और अगर किसी के दुश्मन बन जाए तो बहुत ही कट्टर दुश्मन बनते हैं। So, दिल के बहुत साफ होते हैं, गोली बहुत खड़ी होती है उनकी, लठमार टाइप होती है, पर दिल के बहुत साफ होते हैं। थोड़े अग्रेसिव होते हैं, हाँ औरों में इतना अग्रेशन नहीं होता ना जितना जाटों में होता है, एज इन बोलने का जो लहजा होता है। थोड़ा अपनी बॉडी से भी प्यार करते हैं, खुद से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सेम ही है, बस बात करने का तरीका अलग है, वही बात वो अलग तरीके से कहते हैं और दूसरे बंदा अलग तरीके से कहते हैं। पहली तो अगर दोस्ती कर ले तो जान दे दे उसके लिए, दुश्मनी कर ले तो मार भी दे। मैं भी डरते नहीं है किसी से, वो बहुत मुफ्त होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हर चीज फटाक से बोल देना, डिलेर होते हैं। दिल के सच्चे, जो मन में है वही मुंह पे है, जो दिमाग में है वो नहीं है। जब भी भाई लड़ाई होगी बंदे में इतने, अरे भाई तू बता कहाँ पे है, आई विल बी देयर इन 2 मिनट्स ओनली, तो कूल होते हैं। आई फील वो दिल के अच्छे होते होंगे, मे बी बातें रूड होगी। आपने मेरे से बात की, आपको पता लगा कि मैं जाट हूँ? ऑब्वियसली पता लग गया, जैसे ही आपने 2 मिनट कहा मेरे को तभी पता लग गया था। जाटों के अंदर ऐसा क्या होता है जो औरों में नहीं होता, उनके अंदर खास बात क्या होती है?
बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट यस और नो, बीच की चीज नहीं है। दुनिया बीच में जी रही, वो बीच में जीते ही नहीं। यस है या नो है, जो दिल में चल रहा है वो मुंह पे, वो ये नहीं देखेंगे कि मुझे इम्प्रेशन देना है या कुछ है, जो दिल में है वो मुंह पे बोलेंगे। दिल में कुछ नहीं रखते, खुला बोलते हैं, भाई है तू अपना ये है सब। आउटस्पोकन नेचर, जो मन में आता है बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, चौड़ होती है। दे हैव एटीट्यूड, एटीट्यूड प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम, एंड बहुत जल्दी ईगो हर्ट होती है। रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट तो हो सबसे पहले। जो है सो है बोलना है, उन्होंने घुमा फिरा के बात जैसे लोग करते हैं वो काम नहीं है, बस ये चीज अलग है उनके अंदर। जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, आप लगे जाट रहे हो, इसी हिसाब से होते हैं सारे जाट। सर, किसी जाट को डेट करना चाहोगे? I dated a jat already. हाँ, I love jat. किसी जाट से डेट करना चाहोगे? मैं तो कर ही रही हूँ। खेतों में खाटों का और जिंदगी में जाटों का मजा ही कुछ हो रहा है। तभी तो कहते हैं जूता वाटा का, नमक टाटा का और छोरा जाटा का। इसी के साथ आज हमने दिल्ली की जनता से बात की और ये जाना कि दिल्ली की जनता जाटों के बारे में क्या सोचती है। तो आपने भी देखा, अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस बेल आइकन को दबा कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, राम राम। और हाँ, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, राम राम।